सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटों को जो 18 फरवरी 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में मैथ का क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका आंसर की मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जितने भी आंसर बताऊँगा वो मैं खुद से सॉल्व किया हूँ और मैं बता दूँ कि ये 100% सही है, एक भी गलती का गुंजाइश इसमें नहीं है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और बहुत ऐसे चैनल है जो जल्दी में वीडियो अपलोड करते हैं और गलत गलत बता देते हैं, तो आप लोग को इसमें कोई गुंजाइश नहीं है और मेरे चैनल पे 100% सही आंसर की अपलोड होता है। चाहे आप प्रथम सिटिंग का लीजिए या द्वितीय सिटिंग का, 100% सही आंसर इसमें अपलोड होता है। तो देखिए हमारे पास सेट कोड जो है वो ई है, आपके पास कोई भी रहे इससे कोई मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन आंसर मिलान कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको मैं क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है कि sin 90 - θ, तो sin 90 - θ होता है cos θ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि देखिए √3 से √3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन है यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो cot थीटा बराबर होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 5/12। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए 5/12, इस सॉल्व करिएगा अगर तो आप लोगों को निकल जाएगा। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो है यदि बिंदुओं ए के लिए है 3, 4 और बी के लिए है -3 और 8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के ऋणात्मक है। तो देखिए मध्य बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए मध्य बिंदु निकाला जाता है कि आप पहले एक्स वाले को एक्स वाले से जोड़िए, तो यहाँ पर 3 को अगर 3 से हम जोड़ते हैं तो घट जाएगा 3 में से 3 और 2 से भाग दे देना है मध्य बिंदु के लिए, तो 3 में से 3 गया तो क्या बच गया 0, 0/2, तो इस क्या क्या हो गया 0। तो ये पहला हो गया एक्स वाला, क्या हो गया 4 और जोड़ 8, तो 4 और 8 कितना हो गया 12, 12 को 2 से भाग दे दीजिए तो 12 को 2 से भाग देंगे तो 6, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी डी, इसका डी आंसर हो जाएगा 0 और 6, मध्य बिंदु का ऋणात्मक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त का बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2। देखिए ये वृत्त है और एक बाह्य बिंदु ले लेते हैं, इससे जो है स्पर्श रेखा, दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि sin 63° और बट्टा में है cos 27°, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। इसके बाद जो है यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है द्विघात बहुपद दे दिया गया x² + 1/6 - 2 के शून्यक है, तो इसका शून्यक जो होगा वो निकालिएगा डी पे, तो d = b² - 4ac पे अगर निकालिएगा तो इसका शून्यक जो आएगा एक आएगा अल्फा का मान 8/3 आएगा और एक आएगा बीटा का मान 3, तो ये 8/3 और 3 तो किसी ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं, इसका सही आंसर करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर ले तो 8 नंबर क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 10, 7, 8 का 30वां पद बराबर है, तो देखिए 30वां पद निकालने के लिए तो 30 ए एन का मान दे दिया गया है 30, तो ए एन के मान तो आप एन का मान ज्ञात करिएगा, तो इसका जो होगा -77, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है यदि tan θ = 8/15 हो तो cos1θ का मान होगा, तो देखिए tan θ = फॉर्मूला होता है लंब बटा का आधार, तो आधार लंब और आधार दे दिया गया है तो कर्ण निकालिएगा, तो इसके बाद जो है इसका आप cos1θ का मान निकालिएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा 17/8 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योग, तो देखिए प्राकृतिक संख्या का योग अगर आप SN निकालिएगा तो भी निकल जाएगा और अन्यथा आपको शॉर्ट फॉर्मूला n into n plus 1 by 2 इसका फॉर्मूला ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो n का मान हो गया यहाँ पे 100, तो 100 और 100 में जोड़ेंगे एक, तो 101 हो जाएगा और इसके बाद जो है 2 से भाग दीजिएगा, तो इसको 50 से काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 50, तो 50 को 101 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी 50 50, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है 11 नंबर क्वेश्चन, 2 चर x y में रैखिक समीकरण ax + bx + c = 0 के कितने अधिकतम संभव हल है, तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि 2 चर है तो चर तो अधिकतम क्या हो जाएगा 2 चर हो जाएगा, तो 2 संभव हल हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी सही आंसर है।
इसके बाद आप लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है, तो इसको आप अगर ज्ञात करिएगा 88 दे दिया गया है तो ये एन का मान हो गया, इसको निकालिएगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एन का मान ज्ञात कर लीजिएगा आप, तो एन का मान ज्ञात करने पर आप जाएगा 30, तो 30वां पद जो है वो 88 है। दोस्तों मैं इस चैनल पर बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैं अपलोड करता हूँ, और साथ ही आप लोग जो एग्जाम देते हैं उसका आंसर की, चाहे वो प्रथम सिटिंग हो या द्वितीय सिटिंग हो, दोनों का आंसर की मैं अपलोड करता हूँ, वो भी 100% सही के साथ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन है उससे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है कि -3 -5 किस पाद में है, तो देखिए दोस्तों आप ग्राफ खींचेगा तो प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, इसके बाद जो है द्वितीय पाद में होता है 1 -1 प्लस, तृतीय पाद में माइनस माइनस होता है और चतुर्थ पाद में 1 प्लस 1 माइनस होता है, तो ये जो है एक दोनों माइनस है, तो इसका तृतीय पाद इसका सही आंसर होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि 2 cos² 60° का मान है, तो देखिए दोस्तों 2 और cos 60° का मान क्या होता है, आप लोगों को पता है 1/2, तो इसका जो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, 2 × 1/4, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद आप 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग योगफल जो है वो 3 है तथा गुणनफल -10 है, तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला x² - α + β (x) में होता है α × β, ये होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, तो आप लोग क्या करिएगा इस पर सिंपली पुट कर दीजिएगा मान, तो देखिए x² - α + β का मान 3 और एक फॉर्मूला में एक्स, इसके बाद यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में प्लस होता है और यहाँ पर α × β का मान -10 दिया गया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 10, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा, देखिए दोस्तों समबाहु मतलब समान भुजा वाले एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका एक भुजा अगर 12 रहेगा तो सभी भुजा क्या हो जाएगा 12 12, इसका जो ऊंचाई पूछ रहा है, तो देखिए दोस्तों ये लंब हो गया और यहाँ पे लंब हो गया और आधार जो काटेंगे तो आधार हो जाएगा 12, आधा हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, तो आप लोगों को इस प्रकार से ज्ञात करिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है 17 नंबर क्वेश्चन है यदि समीकरण 3x - y = 5 तथा 6x - y = k के कोई हल ना हो, तो देखिए कोई हल नहीं होगा जब जो आप देखिएगा k बराबर नहीं दीजिएगा 10 तब होगा कोई हल नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है 18 नंबर क्वेश्चन है भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 मीटर के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग की डोरी की लंबाई है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है, और डोरी जो है वो ऐसे रहेगी, पतंग उड़ेगी तो ये उड़ रही पतंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसकी जो लंबाई दिया गया है जो नहीं दिया गया है, तो आप लोगों को यहाँ पर कोण दिया गया है कितना, तो 60° का, तो अब यहाँ पे आप लोग निकाल लीजिएगा कि इस डोरी का लंबाई और यहाँ पे दे दिया गया है, तो ये लंब और कर्ण किस में होता है sin θ में, तो sin θ में निकालिएगा, sin 60° का मान 1/2 होगा, तो इस प्रकार से 200 मीटर होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 के कोण पर झुकी है तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 3√3, तो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो है 20 नंबर क्वेश्चन है कि ताशों की एक गड्ढी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से यादृच्छ एक पत्ता निकाला जाता है तो इसके काले बादशाह होने की प्रायिकता, देखिए बादशाह 4 होते हैं जिसमें काले रंग का जो होता है वो 2 होते हैं, तो 2/टोटल कितना 36 52, तो 2/52 इसको काटिएगा तो हो जाएगा 1/26, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन cos²θ के बराबर है, 1/sin θ जो होता है वो cos²θ के बराबर है, ऑप्शन सी। इसके बाद जो है यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि यदि sin²θ = 1 तो यहाँ पे 3 cot²θ + 1, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए सोल्व करने के बाद, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, असंभव घटना की प्रायिकता होती है, देखिए घटना घटा ही नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में
√2x -12 के शून्य है। इसका जो शून्य अगर ज्ञात करिएगा डी पे निकाल करके, तो इसका होगा x का एक होगा 3√2 और एक होगा -2√2। तो इसका जो सही आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें कोई नहीं। इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो जीवा जो होती है वो चाप होती है। तो आप लोगों का ऑप्शन डी इसका बी ए इसका सही आंसर है, चाप। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर ले तो 26 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के बीच। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक है। देखिए दोस्तों, बहुलक मतलब होता है बहुत बार लक हुआ, तो बहुत बार आए हुए संख्या। तो यहाँ पर देखिए 7 जो है वो बहुत बार आया हुआ है, तो इसीलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी, बहुत बार आया है। इसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। देखिए 13 और 19 के बीच समांतर माध्य पूछ रहा है, तो माध्य पूछ रहा है तो क्या करना है कि 13 और 19 को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, ठीक है। तो 13 19 हो जाएगा 32, और 32 को 2 से भाग देंगे तो 16। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x²-px+4=0 के मूल बराबर हो, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर पी के जगह पर कौन सा मान रखिएगा, तो मूल जो है वो बराबर होगा। तो देखिए आप लोगों को डी पर निकालिएगा, तो डी पर निकालने के बाद पी का स्क्वायर होगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 4 और 4 × a, तो 16 हो जाएगा। तो 16 का वर्ग होता है तो 4 का, तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो प्लस माइनस यहां पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉस, देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या है इसका लॉस हो जाएगा, दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी। इसके बाद जो है यहां पे आप लोगों का अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से है। देखिए एक्स वाई की दूरी जो है मूल बिंदु से, दूरी सूत्र में, तो यहां पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है -10 -6 -2 और 2 ... 34 पदों के की संख्या है, तो इसका जो आप ज्ञात करिएगा, देखिए 34 पद तो n का मान आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 12 इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, बिंदु 6-5 का नियामक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियामक, x नियामक जो है वो 6 है। इसके बाद जो है यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद यहाँ पे x(2x-5) के शून्यकों का योग है, तो देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2x² - 5x और यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का -3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² - 5x और -3। तो इसका जो शून्यक का योग, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय है, तो -b, तो -5, तो माइनस, तो 5/a का मान 2, तो 5/2 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 33 नंबर क्वेश्चन तो बता दिए। इसके बाद जो है 34 नंबर क्वेश्चन है कि 1+2+3 ... जो है n के बराबर है, तो देखिए दोस्तों ये फॉर्मूला आप लोगों को बताएं कि समांतर माध्य को जोड़ने के लिए होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि √2x²-3√3x+√6 ये बहुपद है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया, तो देखिए दोस्तों 12 मीटर के ऊंचा जो है ये खंभा है और जमीन पर इस खंभा का छाया पड़ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये कोण जो बनेगा ना वो आप लोग देख सकते हैं कि 90 डिग्री का बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC का एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी जो है वो क्या है 90 डिग्री है, तो A+B का था। इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि A+B, तो यहाँ पर cos 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप लोगों को याद रहेगा कि cos 90 डिग्री का मान जो होगा वो 1 होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को मैं बता देता हूं, देखिए cos 90 - θ क्या हो जाता है, देख लीजिए आपको A+B+C दीजिएगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो A+B+C का, तो देखिए आप लोग यहां पे देख सी का, तो सी का मान क्या दिया गया है, तो इसका यहां पे 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे A+B का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, cos 90 - θ, sin 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के बीच कि बिंदुओं 2, 3 एवं -2 और
तीन के बीच की दूरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूरी सूत्र पर निकालेगा तो चार हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3 और 4 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाइयाँ जो है इतना है तो इसका क्या होगा बेलन के आयतनों का अनुपात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोल्व करने के बाद 3 और 4 हो जाएगा, 3:4 इसका सही आंसर ऑप्शन ए में हो जाएगा। इसके बाद जो है 40 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के बीच कि यदि 3, 4, 5, 17 तथा एक्स का माध्य जो है वो 6 हो तो एक्स का मान होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको सभी माध्य में क्या होता है कि सभी को जोड़ा जाता है, तो सभी को जोड़िएगा 3, 4, 5, 17 और एक्स को जोड़िएगा और संख्या कितना है तो 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 है और माध्य दिया गया है 6। तो इसका जो सही आंसर आप सोल्व करिएगा तो हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पे 31 + x हो जाएगा और बराबर में 30 हो जाएगा। तो x बराबर अगर ज्ञात करिएगा तो आप लोगों का जो यहाँ पे आ जाएगा 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसको सोल्व करके भी बता दिया हूँ, तो आप लोग इस प्रकार से ज्ञात करिएगा कि सभी को जोड़ दीजिएगा, संख्या कितना है उसको बट्टा में दीजिएगा, इसके बाद 30 हो जाएगा। ठीक है, 29 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन आभाज्य संख्या है, तो इसका 23 इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन कि 1 + 10 + sec इंटू 1 + cot - cosec इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे आप लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना जो है वो होगा। तो देखिए दोस्तों ये क्षेत्रफल जो होगा अगर वृत्त की परिधि 2πr होता है, क्या होता है 2πr होता है, तो यहाँ पे 2πr = 2π दिया गया है, तो r बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों को देख सकते हैं कि 1 हो जाएगा। ठीक है, 2π से 2π कर दिएगा तो, और इसमें जो है बढ़ा दिया गया है तो वृत्त की परिधि फिर 2πr होगा और दे दिया गया है 4π, तो ये अभी तो डबल हो गया लेकिन क्षेत्रफल जब करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो 4 गुना हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन डी। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से मूल बिंदु के नियामक है कौन है, तो इसका सही आंसर मूल में 0, 0 ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन है एक्स के बराबर जो है -5 का आलेख किसी सरल रेखा पर, इसका होगा वाई अक्ष के समांतर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। -5 का आलेख जो है वो वाई अक्ष के समांतर होगा। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आप लोग समझिए कि 46 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी घनाभ की लंबाई एक्स एल, चौड़ाई बी तथा ऊंचाई दिया गया है एच, तो घनाभ का आयतन एल बी एच होगा। ठीक है, तो एल बी एच इसका सही आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद जो यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन की 10 10 इसके बाद 10 15 इंटू 10 75 इनके बाद 10 18, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा द्विघात समीकरण ये है, और ये क्यों नहीं है तो ये देख सकते हैं कि बहुपद है ही नहीं इसका सही, तो इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन सी। इसके बाद जो है यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सोल्व करने के बाद। इसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं ए के लिए जो है इतना दिया गया है, बी के लिए इतना है, तो समान दूरी है, तो आप लोगों को इसको निकालने के लिए मैं बता दिया हूँ कि पहले एक्स वाला को जोड़ लीजिएगा तो -1 + 5/2 आधा कर दीजिएगा, इसके बाद जो है 0 + 0/2 तो ये क्या हो जाएगा 4/2 का हो जाएगा 2 और 0/0 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद जो है 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं है, तो माइनस में जो है घटना की प्रायिकता नहीं होती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होती है। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और छोटी भाज्य संख्या का मौसम है, तो देखिए दोस्तों सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, तो इसका जो मौसम अगर ज्ञात करिएगा तो 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 53 नंबर क्वेश्चन है कि आप लोगों का एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को खींचकर 4 सेंटीमीटर व्यास का तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई कितना होगा, तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 53 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का 53 का आंसर, तो दोस्तों इसका जो आंसर आ है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके इसको ज़रूर बताइएगा, इसका मैं आंसर बना नहीं पाया हूँ और बनाऊँगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा।
इसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को 54 नंबर क्वेश्चन है, 1 + 10² θ बराबर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 10 का जो होता है वो सेक होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उसकी परिमापों का अनुपात, इसका जो ऑप्शन हो यहाँ पे देख सकते हैं 9:16 इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है 56 नंबर क्वेश्चन है कि 64 π² cm² क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है, तो सबसे पहले किसका, तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है तो π r² होता है वृत्त का, π r² होता है, जबकि दिया कितना है तो यहाँ पे 64 π दिया है, तो पाए से पाए कट गया, आर का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, इसका व्यास डबल होता है तो व्यास 8 को 2 से गुना कर देंगे तो 16, तो 16 इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। इसके बाद यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में दिया है, ठीक है, तो क्या रहा है कि D के बराबर जो है Q है, कोण D के बराबर कोण Q है और कोण R के बराबर E है, तो निम्नलिखित में क्या हो जाएगा, तो ये कोण F के बराबर जो है P हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है आप लोगों का 58 नंबर क्वेश्चन कि समीकरण युग्म में यहाँ पे 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का हल है, तो देखिए दोस्तों आप लोग 2/4 a1/a2 पर निकालेगा, 3/6 बराबर हो जाएगा 5/15, तो देखिए इसका जो हो जाएगा ये दोनों बराबर हो जाएगा, ए और a1/a2 और b1/b2 बराबर हो जाएगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा कोई हल नहीं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 65 और 117 का मौसम यहाँ पे 65 - 117 के रूप में है तो m का मान होगा, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले 65 और 17 का जो मौसम होगा वो 13 होगा, 13 होगा, तो जबकि 13 होगा तो m का मान पूछ रहा है, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे मौसम दिया कितना है, तो मौसम दिया गया है 65 m - 117, तो टोटल 117 और 13 को जोड़ेगा तो 130 हो जाएगा, ठीक है, 130 / 65 m हो जाएगा, तो यहाँ पे m का मान 2 हो जाएगा, तो 2 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और द लास्ट क्वेश्चन में आप लोग काउंट करिएगा कि आप लोगों ने कितना आंसर सही दिया है, मुझे ये भी बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है, 2, 10 और 20 के लौसो और मौसो का अनुपात, देखिए लौसो तो सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा 20 ही, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम निकालेगा तो 20 हो जाएगा, और मौसो जो होगा वो सबसे छोटी 2, तो यहाँ पे अनुपात जो निकालेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10:1, तो 10:1 इसका ऑप्शन बी है, वो सही आंसर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन का आंसर सही सही मिला हो, जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए आने वाले क्वेश्चन के लिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।